हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जे आर एफ। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑफ यू। आज हम लोग बायोलॉजी का फाइनल टॉपिक है यूनिट वन का, दैट इज इंडियन थिंक को कवर करने वाले हैं। हमारे जो भी इंडियन थिंक का एक क्विक रिवीजन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही चैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जे आर एफ अड्डा पे मैं आपसे आती हूँ। अभी एडवेंचर्स 2.0 बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर, जहाँ पर डेली 4 PM पे सोशियोलॉजी की क्लासेस मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ। एंड पेपर वन की क्लासेस भी आप सभी यहाँ पर हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड जे आर एफ अड्डा वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिए। यहाँ पर फ्री पीडीएफ या पेपर्स आप सभी के लिए अवेलेबल, कोर्सेज यहाँ आपके लिए अवेलेबल है, लाइव टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको जे आर एफ अड्डा वेबसाइट पर मिल जाती है। एंड टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च हो चुकी, तो जो भी स्टूडेंट अब लास्ट टाइम में अच्छे से बिल्कुल तैयारी करना चाहते, तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। सो जो भी स्टूडेंट पेपर वन प्लस पेपर टू सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो जे आर एफ अड्डा से परचेज कर सकते हैं। 49.99 आपकी टेस्ट सीरीज की प्राइस है। एंड जो स्टूडेंट से पेपर वन की परचेज करना चाहते हैं, 799 वन की प्राइसेस है। एंड 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पर पेपर वन के भी अवेलेबल है। एंड दशहरा है, तो 23rd एंड 24th 2 दिन अभी आपके पास और हैं। 10% ऑफ जे आर एफ अड्डा के सभी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पे आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ D10 कोड यूज करके आप किसी भी कोर्स या टेस्ट सीरीज पर 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिया गया है, अगर आप कोर्स परचेज या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एंड जे आर एफ अड्डा की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के कोर्सेज में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 10% ऑफ अभी आप सभी के लिए है। वीडियो कोर्सेज, PDF, सारे PYQ सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज पेपर वन प्लस पेपर टू के आप सभी को कोर्स के साथ ही मिल जाती हैं। तो मैं आपको जे आर एफ अड्डा के कोर्स अगर आप लेते हो तो उसमें सारे जो टेस्ट सीरीज हैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो ज़रूर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। पेपर वन का भी बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ जे आर एफ अड्डा की वेबसाइट विजिट करना है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज या कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ जाकर टेस्ट सीरीज या कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो आज सबसे पहले हम हमारे जो इंडियन थिंकर हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उनका नाम है GS घोरे। तो एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे बाकी जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सके। बिल्कुल, मैं सारी यूनिट्स का रिवीजन कराने वाली हूँ। आज हमारा लास्ट डे है यूनिट वन का, बस कल हम और फाइनल जो भी क्वेश्चंस हैं यूनिट वन के उनको कंप्लीट करेंगे। फिर वेनसडे से हम हमारी जो यूनिट टू है रिसर्च मेथडोलॉजी वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और 2 से 3 दिन में हम उसको कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक यूनिट थ्री, यूनिट फोर, तो ऐसे करके हम सारी यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल, आप मुझे डेली क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम GS घोरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हमें एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम GS घोरे की बात करें, तो इनका फुल नेम है गोविंद सदाशिव घोरे, और ये हमारे मालवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इन्हें हम बोलते हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर अगर हम इंडियन सोशियोलॉजी की बात करें, तो हमें हमेशा GS घोरे का नाम ध्यान रखना है। बाकी भी थिंकर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, बट इन्हें स्पेशली हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बोलते हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आप श्रीनिवास, MN श्रीनिवास का नेम भी आप सभी ने सुना होगा, तो उन्होंने डोएन ऑफ सोशियोलॉजी हमारे घुरे को बुलाया था। डोएन मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे इंपॉर्टेंट की फिगर हमारा कोई इंडियन सोशियोलॉजी में अगर है, उसे हम GS घुरे का नेम आप सभी को ध्यान रखना। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी, जो भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है उनके लिए 1952 में, और उसी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल आता है हमारा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो इसका नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये आपसे पूछा जा चुका है, ये चीज आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। एथनोग्राफर वो थे, डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी के बारे में उन्होंने बात की थी। डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी मतलब किस तरह से आप
एक एक चीज को जो डिटेल्स है, एथनोग्राफर्स क्या करते हैं, लोगों के बारे में स्टडी करते हैं। एथनोग्राफी हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पीपल। तो उसको एकदम डिटेल में, जैसे हम जो इंडियन लोग हैं या जो पीपल है डिफरेंट कम्युनिटीज, उनको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके बारे में जीएस घुरे ने हमारी बात की। ये जो सारे बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जीएस घुरे के बारे में, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो एचओटी थे हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के 1924 में, और अगर जीएस घुरे से पहले की हम बात करें तो 1919 से लेके 1924 तक, आप सभी को याद हो बॉम्बे यूनिवर्सिटी हमारी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ सबसे पहले इंडियन सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो घुरे से पहले अगर आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि वहाँ के जो एचओडी थे वो थे हमारे पैट्रिक गेट्स, जो कि डेमोग्राफर थे हमारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घुरे से पहले कौन था, और कई बार ये पूछा जा भी चुका है, तो पैट्रिक गेट्स का भी नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। एंड इनके जाने के बाद हमारे जो जी एस घुरे हैं वो वहाँ के एचओडी बनते हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के 1924। ये आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट घुरे के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। फील्ड वर्क उन्होंने किया था महादेवी कॉलेज पे, तो ये भी उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। महादेवी कॉलेज पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है, तो जी एस घुरे की जो बुक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार उससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, पैट्रिक गेट्स का नेम मैंने आप सभी को बता दिया है, ये आप सभी को अच्छे से। उन्होंने किस किस फील्ड पे हमारा काम किया था तो वो भी हम देख लेते हैं। इंडोलॉजी, कास्ट, रेस, ट्राइब, रिलीजन, किनशिप, सिविलाइजेशन, ऑलमोस्ट इंडियन सोसाइटी के हर एक चीज को उन्होंने काम किया है। उनकी बुक्स ही आप देखो, इतनी सारी बुक्स उन्होंने, लगभग 30+ बुक्स उन्होंने लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने हर इतनी सारी चीजों के बारे में बताया है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो इंडोलॉजिस्ट हम उन्हें बोलते हैं। इंडोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं, जो एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर थ्रू एंशियंट टेक्स्ट एंड वेदास। तो ऐसे लोग हम इंडोलॉजिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है वो किसके थ्रू, जो एंशियंट टेक्स्ट या तो वेद, जो पुराने जो शास्त्र है हमारे, उसके अकॉर्डिंग जो लोग हमारी इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट। तो जी एस घुरे का नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। इरावती कारवे का नेम ध्यान रखना है, उन्होंने, वो भी एक इंडोलॉजिस्ट है, तो उनके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, आरपीएससी के लिए भी हम ट्राई करेंगे कि उनके भी इंडियन थिंकर्स के ऊपर वीडियो लेके आए। अभी हम यूनिट 1 के थिंकर्स अपने कवर कर लेते हैं, ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थिंकर्स है ये भी मोस्टली इंडियन सारे एग्जाम्स में हमसे पूछ ही जाते हैं, तो ये भी आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट अगर हम उनके अप्रोच की बात करें तो उन्होंने किस तरह से इंडोलॉजिकल अप्रोच और जो एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच है उसको मिक्स करके अपना एक नया ही तरीका बताया था, किस तरह से इंडोलॉजी, अभी मैंने समझाया, जो एंशियंट टेक्स्ट या शास्त्र वगैरह के थ्रू हमारे कल्चर या सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरह से हमारे बात करते हैं, तो उन दोनों की जो अप्रोच है उन्होंने मिक्स करके अपना एक अप्रोच बनाया था। उनका एक फेमस आर्टिकल भी है हमारा ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। एंड उन्होंने क्या, और ट्राइब्स को उन्होंने क्या बुलाया था, बैकवर्ड हिंदू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो कई बार पूछा जाता है, तो ट्राइब्स को घुरे ने बैकवर्ड हिंदू हमारा बुलाया था। एंड उन्होंने एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स के ऊपर फोकस किया था, आत्मसात के ऊपर उनके जोर दिया था उन्होंने। तो आपको अगर याद हो तो एक बहुत फेमस डिबेट है हमारी जी एस घुरे के बीच में एंड हमारे एक और थिंकर हैं वेरियर एल्विन, इन दोनों के बीच में हमारी एक बहुत फेमस डिबेट हुई थी, जिसमें उन्होंने जी एस घुरे क्या बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया था, एंड वेरियर एल्विन ने हमारा सेपरेशन ऑफ ट्राइब्स पे जोर दिया था। तो इन दोनों में ये काफी ज्यादा डिबेट चली थी कि ट्राइब्स को हमारा हिंदू सोसाइटी से, उसमें तो जी एस घुरे बोलते हैं कि ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी में एसिमुलेट कर देना चाहिए, मतलब उन्हीं के साथ उन्हें मिला देना चाहिए, पर जो वेरियर एल्विन है वो ये बोलते थे कि ट्राइब्स का सेपरेशन होना चाहिए, मतलब उनको हमारे इंडियन सोसाइटी के जो हिंदू सोसाइटी है उनके साथ नहीं मिलाना चाहिए, उनसे उन्हें अलग रखना चाहिए। तो आई एम श्योर इस डिबेट के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, काफी फेमस डिबेट है, कई बार इससे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं।
तो ये इन दोनों के बीच हमारा हमेशा चला था कि एसिमिलेशन होना चाहिए ट्राइब्स का या सेपरेशन, बट फाइनली उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया था कि ट्राइब्स का इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेशन हमारा होना चाहिए। हाँ, सेपरेशन आइसोलेशन एक ही बात है, मतलब दोनों, उन्हें हिंदू सोसाइटी से हमारा अलग करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड है, बस अलग अलग वर्ड। तो नेहरू ने फिर फाइनली डिसाइड किया था कि इंटीग्रेशन उनका होना चाहिए। इंटीग्रेशन, तो नेहरू ने एक बहुत फेमस हमारी ट्रीटी निकाली थी, पंचशील उन्होंने अपनी योजना निकाली थी, तो 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे उसमें, और उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे जो ट्राइब्स हैं उनका इंटीग्रेशन, ना उन्हें पूरी तरह हिंदू सोसाइटी में मिक्स करना चाहिए, ना ही उन्हें कम्प्लीटली आइसोलेट उनका करना चाहिए, बट एक इंटीग्रेटेड वे में दोनों को साथ में मिलके हमारा रहना चाहिए, मतलब दोनों के अलग अलग फीचर्स भी हमारे दिखे। तो फाइनली ये हमारा नेहरू ने डिसाइड किया था। तो ये बहुत फेमस एक डिबेट है, तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कई बार ये हमसे पूछा जाता है, तो ये चीज भी आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सारी चीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो काम है घुरे ने कास्ट सिस्टम पे किया है। कास्ट सिस्टम उन्होंने क्या बताया कि कास्ट सिस्टम सबसे एक यूनिक फीचर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इंडियन जो सभ्यता है, यहाँ का जो रहन सहन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इंडिया जैसा कास्ट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है, जहाँ इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, अलग अलग डिफरेंसेस लोगों के बीच में है, इंटीग्रेशन उनके बीच में है, बट फिर भी वो सब साथ में मिलके हमारे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक कल्चर है हमारा इंडियन सोसाइटी का, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने जाति का वर्णन हमारा किया था। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको रखनी है, उन्होंने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम हमें बताए थे। तो ये जो फीचर्स हैं, ये बिल्कुल डायरेक्टली MSO फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक साथ 4-5 ऑप्शन दे देंगे ना, आपको पूछेंगे कि बताइए घुरे के अकॉर्डिंग कौन कौन से फीचर्स है कास्ट सिस्टम के। तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते थे यहाँ पे सेगमेंटल डिविजन होता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में हमारी सोसाइटी डिसाइड होती है। तो जैसे वर्ण सिस्टम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो वर्ण सिस्टम में हमारी सोसाइटी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड थी। तो जैसे ब्राह्मण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये सब हमारे किस में आते थे, वर्ण सिस्टम। तो घोरे ने बताया था कि किस तरह से हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करता है। कुछ लोग ब्राह्मण में है जो हाई कास्ट में आते हैं, क्षत्रियाज भी हाई कास्ट में आते हैं, वैश्याज उनसे नीचे आते हैं, और शूद्र जो है जो सबसे लोअर क्लास, जो अनटचेबल्स हमारे माने जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन हमारी सोसाइटी में हुआ गया है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है हिरार्की का। हिरार्की मतलब क्या होता है, लोग अलग अलग रैंकिंग में हमारे डिवाइड होते हैं। कुछ हमारे हाई क्लास के होते हैं, तो कुछ हमारे यहाँ पे लोअर क्लास के लोग होते हैं। इस तरह से हिरार्की में लोग डिवाइड होते हैं, कुछ टॉप पोजीशन पे होंगे, कुछ मिडिल पे होंगे, कुछ लो पोजीशन में होंगे। तो हमेशा एक हिरार्की हमें कास्ट सिस्टम हमेशा देखने को मिलती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर हमें गुरे ने बताया था। एक और उन्होंने बताया था रेस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो शूद्रास है, जो ब्राह्मण है, वो शूद्रास के साथ फूड नहीं ले सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, कोई रिलेशंस जैसे ब्राह्मण की जो शादी है वो शूद्र फैमिली में हमारी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में भी वो बताया था कि ये भी हमारे कास्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स पे भी हमारे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस। मतलब कुछ सेक्शन ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के जिनको प्रिविलेज दिया जाता है, जैसे ब्राह्मण है, उसे ब्राह्मण्स को पूजा करने का अधिकार होता है, मतलब मंदिरों में जाने का अधिकार होता है, बट जो शूद्र कैटेगरी के हैं, जो अनटचेबल कास्ट है, उनको मंदिरों में जाना अलाउड नहीं होता, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, कॉमन जो वेल है, कुआं जो है, वहां से वो पानी नहीं ले सकते। तो इस तरह की कुछ जो राइट्स या प्रिविलेजेस हैं उनमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। लैक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो मतलब यहाँ पे
ऑक्यूपेशंस भी हमारे डिवाइड कर दिए जाते हैं कास्ट सिस्टम में। तो जैसे ब्राह्मण्स है, उनका मेन काम क्या है, वर्शिप करने का, पूजा पाठ करने का जो काम है, जितने भी यज्ञ वगैरह होंगे या जो बड़े लेवल पे जो पूजा पाठ हमारा किया जाएगा वो ब्राह्मण्स के द्वारा किया जाएगा। या जो शूद्र है वो सबसे गंदे एक तरह से काम, सबसे लोअर कैटेगरी काम, जैसे हमारे सीवेज वाले, सीवेज हमारे साफ करना, ये सब जो काम है, डर्टी प्लेसेस हमारे साफ करना, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह ये सब क्लीन करना, तो ये सब काम किसका हो जाता है, शूद्रास या अनटचेबल्स का। तो हमारा चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे हमें नहीं दी जाती। ऑलरेडी जो हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है वहाँ पे सब डिसाइड कर दिया गया है कि कौन सी जो वर्ण है या कौन सा जो कास्ट है वो किस तरह का हमारा काम करेगा। मैरिजेस पे भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अभी भी अलाउ नहीं की जाती है। एंड पहले के जमाने में घुरे के टाइम की यहाँ बात हो रही है, तो वहां पर तो और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हमारे होते थे, देखने को हमें मिलते थे कास्ट सिस्टम में। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि इतनी फ्रीली मैरिजेस नहीं हो सकती। हायर और लो क्लास में एक कास्ट के लोग अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते थे। तो ये सिक्स हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के, तो घुरे ने हमें बताए हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फीचर हमारा कास्ट सिस्टम का है वो ये है कि कास्ट सिस्टम हमेशा हमारा कैसा होता है, एस्क्राइब्ड होता है। सैटरडे को मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया तो उसमें ये क्वेश्चन हमसे गया था, कास्ट सिस्टम हमेशा कैसा होता है, एस्क्राइब, मतलब बाय बर्थ ही आपको मिलता है, आपके जन्म से आपका जो कास्ट है वो डिसाइड होता है। आप खुद अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे इस कास्ट का मेंबर बनना है या उस कास्ट का। आप जिस कास्ट में पैदा हुए होते हो, जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ होता है, आप लाइफ लॉन्ग उसी कास्ट के मेंबर हमेशा रहते हो। बहुत ज्यादा मतलब सोशल मोबिलिटी कास्ट के बीच में हमें नहीं देखने को मिलती है इंडियन सोसाइटीज में। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, कास्ट सिस्टम हमेशा एस्क्राइब होता है, अचीव्ड कभी भी नहीं होता है। अचीव्ड मतलब वो होता है जब आपने अपनी पर्सनल क्वालिटीज के बेसिस पे, अपनी मेरिट के बेसिस पे आप किसी कास्ट सिस्टम के मेंबर बने हो। तो कास्ट सिस्टम हमारा एस्क्राइब होता है, एंड बिल्कुल सही बताया, ऑक्यूपेशन हमारा अचीव्ड होता है। बट यहाँ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पहले के टाइम पे ऑक्यूपेशन भी हमारा एस्क्राइब ही हुआ करता था, बट मॉडर्न टाइम्स में हम देखें तो अब हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो अब अचीव्ड होने लगा है कि आप अपनी मेरिट से डिसाइड करते हो। आपके अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी पढ़ाई आप करोगे, तो आप IAS ऑफिसर भी बन, तो वो जो पोस्ट आपको मिलेगी वो आपकी कास्ट के बेसिस पे नहीं, बल्कि आपकी जो मेरिट है, आपकी जो क्वालिटीज है उसके बेसिस पे आपको मिले। तो आई होप ये जो सारे फीचर्स हैं ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट उन्होंने टू टाइप्स ऑफ एक्सोगैमी के बारे में भी हमारी बात की थी। एक्सोगैमी हमारा क्या होता है, जहाँ आपको बोला जाता है आपको मैरिज आउटसाइड योर ग्रुप, तो एक्सोगेमी हमारा क्या होता है, जैसे कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि आपको अपनी मैरिज जो कास्ट है उसी में शादी करनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोगेमी, जहां आपको बोला जाता है कि आपका जो ग्रुप है उसी में ही आपको शादी करनी है। बट कास्ट सिस्टम में हमारा क्या होता है, जो एक्सोगेमी है उसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है आपका जो ग्रुप है, आपका जो सोशल ग्रुप है उसके बाहर आपको शादी करनी होती है। तो दो तरह की एक्सोगेमी उन्होंने बताई थी, एक है सपेंड एक्सोगेमी एंड दूसरा है गोत्र एक्सोगेमी। तो गोत्र एक्सोगेमी तो आप सभी ने आई एम श्योर कभी ना कभी अपने घर में सुना ही होगा। गोत्र एक्सोगेमी क्या होती है, जब आपको बोला जाता है कि आपको अपने गोत्र से बाहर शादी करनी है। तो जब भी शादियां होती है, मैरिजेस होती हैं, तो हमारी सोसाइटी में हमेशा जो ब्राइड होती है, जो ग्रूम होती है, उनका शादी होने से पहले हमेशा उनका गोत्र चेक किया जाता है। मतलब जो जो ब्राइड है उसके जो फादर हैं उनका क्या गोत्र है, और उनकी जो मदर है, मतलब शादी के बाद तो मम्मी का जो गोत्र है वो आपके फादर के गोत्र जैसा ही होगा, बट जो मम्मी की जो नेटल फैमिली है, मतलब आपके मामा जी का जो गोत्र है वो चेक किया जाता है। इसी तरह से जो ग्रूम है उनके भी फादर का एंड मामा जी का। तो ये जो गोत्र है ये अगर आपस में मैच हमारे नहीं होने चाहिए, अगर सेम गोत्र के लोग शादी करते हैं तो वो एक तरह से हमारे ब्लड रिलेटिव्स वो माने जाते हैं। एंड इंसेस्ट टैबू के बारे में आप सभी ने सुना है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ लेवी स्ट्रॉस पढ़ाते टाइम। इंसेस्ट टैबू का मेन थीम यही है कि आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते। तो जो सेम गोत्र के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटिव्स हमारे माने जाते हैं,
सेम एंसेस्टर्स से वो निकल के आए हैं, इसलिए सेम जो गोत्र मैरिज है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होती है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो इंसेस्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन हमारा, जैसे फोक वेज मोरेस के बारे में हम पढ़ते हैं, यूनिट 3 में भी हम पढ़ेंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मोरे मतलब सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रूल अगर कोई है तो वो इंसेस्ट टैबू है हमारी। तो सेम गोत्र में कभी भी मैरिज अलाउ नहीं होती है हिंदू सोसाइटी में। एंड सपिंड एक्सोगेमी के बारे में भी उन्होंने बात की। सपिंड एक्सोगेमी मतलब आपका जो पिंड है, मतलब कॉमन एंसेस्टर जिनके हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं कि हम सेम एंसेस्टर सेम पूर्वजों से हमारी जो फैमिली है वो निकली है, तो वो भी एक तरह से भाई बहन हुए, तो वो लोग भी आपस में शादी नहीं कर सकते। तो इससे आप शादी नहीं कर सकते, 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड मतलब आपके मम्मी के साइड से 3 जनरेशन तक के लोगों हैं उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते, एंड 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे एक्सोगैमी के। तो सपिंड एंड गोत्र एक्सोगैमी के बारे में हमारे GS घोरे ने बात की, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी दिए थे, तो वो भी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो रूरल अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया था इंडियन सोसाइटी। तो रूरल अर्बनाइजेशन क्या होता है, जहाँ रूरल सोसाइटी पर अर्बन जो वेज ऑफ लाइफ है उनको भी अच्छे से मिक्स करते हो, तो उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से अब जो अर्बन एरियाज है वहां पर रूरल सोसाइटी की फीचर्स हैं वो क्रिएट जा रहे हैं, जैसे अर्बन सोसाइटीज में इस तरह से पार्क्स वगैरह ग्रीनरी अब क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ताकि रूरल सोसाइटी का जैसा मतलब अच्छी हवा अच्छा नेचर वाला फीलिंग्स आपको मिल सके। इसी तरह से जो रूरल सोसाइटीज है वहाँ पे अर्बन लाइफ स्टाइल्स मतलब अर्बन तरीके से अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो रूरल अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कंटेक्स्ट में इसके बारे में किसने बात करी है, तो GS घुरे का नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना। थ्योरिटिकल प्लूरलिज्म के बारे में भी वो बात करते हैं, मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच दोनों को जब हम साथ में मिलाते हैं तो उसे उन्होंने थ्योरिटिकल प्लूरलिज्म बताया था, तो इस बारे में भी वो करते हैं। सो इंडक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, जब आप पर्टिकुलर थ्योरी से किसी जनरल थ्योरी को डिराइव करते हो तो उसे हम इंडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। डिडक्टिव मतलब जब आप किसी जनरल फिनोमेना से कोई पर्टिकुलर थ्योरी पर जाते हो तो उसे हम डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। तो इंडक्टिव अप्रोच का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैंने आपको डर्खाइम का सुसाइड के थ्योरी बताया था। तो सुसाइड के थ्योरी में डरखान में क्या किया था, पर्टिकुलर यूनिट से जनरल थ्योरी बनाई, मतलब उन्होंने पर्टिकुलर सुसाइड के केसेस को स्टडी किया था, उससे अपनी एक जनरल थ्योरी बनाई कि इन इन बेसिस पे हमारी सोसाइटी में लोग सुसाइड कमिट करते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव अप्रोच का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से डिडक्टिव की बात करें तो जनरल थ्योरी को हम कैसे पर्टिकुलर केसेस में लगाते हैं, तो डिडक्टिव अप्रोच हम अक्सर जो नेचुरल साइंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें यूज करते हैं। तो जैसे अगर हम मैथमेटिक्स का एग्जांपल लें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप जनरल फिनोमेना से पर्टिकुलर चीजें डिराइव करते हो, मतलब जनरल यूनिवर्सल थ्योरी है, सपोज पाइथागोरस है थ्योरम है तो वो एक यूनिवर्सल थ्योरी है, उसे आप पर्टिकुलर जो यूनिट्स है या पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में अप्लाई करते हो, तो इसे हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच कि किसी यूनिवर्सल थ्योरी का आप किसी पर्टिकुलर केस में अप्लाई कर रहे हो, और उसका जो उल्टा है वो है इंडक्टिव अप्रोच कि आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी को हमारी जो जनरल या यूनिवर्सल थ्योरी है उससे आप कोई थ्योरी बना रहे हो। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो उन्होंने एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में बात की और लेजिस्फेयर, तो लेजिस्फेयर मतलब एक तरह से फ्री मार्केट हमारा होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा नहीं होता है, बल्कि जो मार्केट की फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई वो सारी चीजें जो मार्केट बिहेवियर है उसको हमारा डिस्क्राइब करती है। हिंदू रिलीजन को उन्होंने एज अ वर्णाश्रम धर्म हमारा बुलाया था। तो वर्ण सिस्टम मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, एंड 4 आश्रम हमारे होते हैं यहाँ पे, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम संन्यास वनप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम भी हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो ये इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया था। तो ये GS घोरे के हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। कई बार ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इंडियन थिंकर से एंड स्पेशली GS घोरे से वो उनकी बुक से आते हैं। तो इसमें से तो आप मान लीजिए कि आप कोई भी बुक्स मिस नहीं कर सकते, उनकी सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारी आपको क्रोनोलॉजी वाली
बिल्कुल ईयर वाइज उनके क्रोनोलॉजी वाइज आपको सारी बुक्स याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन साधु, इंडियन कॉस्ट्यूम्स, ये सब रिपीटेडली हमसे पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में अक्सर आपके इंडियन जो थिंकर्स हैं उनकी बुक्स पूछी जाती हैं, तो सारे इंडियन थिंकर्स की बुक आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। सारी जो बुक्स हैं वो आप अच्छे से यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो आई होप घोड़े के सारे कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं राधा कमल मुखर्जी, इनके क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये भी हम देख लेते हैं, बट एक बार यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो हम आगे जो हमारे नेक्स्ट थिंकर है राधा कमल मुखर्जी, इनके बारे हम पढ़ना स्टार्ट कर। तो राधा कमल मुखर्जी भी हमारे एक इम्पोर्टेंट थिंकर है जो बंगाली ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं। मार्क्सोलॉजिस्ट इन्हें हम बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी को कैसे उन्होंने सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी में हमारा इंडोलॉजी और मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है उसको मिला के इन्होंने अपना नया अप्रोच बनाया था। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, मार्क्सोलॉजिस्ट इन्हें हम बोलते हैं। श्रीनिवास ने उन्होंने बताया था फिलोसॉफिकल बस मिस्टिकल, मतलब वो इम्पोर्टेंट थ्योरी बताते हैं बट एक रहस्यमय तरीके से। आर्ट्स एंड वैल्यूज पे सबसे ज्यादा राधा कमल मुखर्जी का काम है। तो अगर आपको कहीं भी देखे इंडियन सोशियोलॉजी में स्पेशली आर्ट्स एंड वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको मोस्टली चांसेस होते हैं कि राधा कमल मुखर्जी का आप सभी को नेम अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी है आर्ट्स एंड वैल्यूज पे, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी, तो वो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में वो बात करते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी मतलब कैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिक्स करके उन्होंने जो इंडियन सोशियोलॉजी है उसमें बताया था। तो जैसे इकोलॉजी के बारे में वो बात करते हैं, फिलोसफी के बारे में वो बात करते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसको उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी में हमारा यूज किया था। तो इंटीग्रेटेड या फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच उन्होंने फॉलो किया था। क्लासिकल अप्रोच और एम्पिरिकल सोशियोलॉजी को उन्होंने कंबाइन किया था। इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एमिलियोरेटिव अप्रोच, तो एमिलियोरेटिव जो कंसेप्ट है मैंने आपको अगर याद हो तो ब्रिटिश सोशियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम सुधार अपने समाज में ला सकते हैं। तो अर्बन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सुधार हम उसमें ला सकते हैं, इसके बारे में भी पूरे हम वो सॉरी राधा कमल मुखर्जी हमारे बात करते हैं कि आप सभी को अच्छे से ध्यान रखें। बुक्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, मैंने आपको बोला है बार बार रिवीजन करिए क्योंकि के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इंडियन थिंकर्स के आपने आई एम श्योर कभी ना कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे ही होंगे, तो उनकी बुक्स से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट जो बुक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ये ट्राई कीजिए वो याद करने का। नेक्स्ट जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी आती है हमारी वो है थ्योरीज ऑफ वैल्यू। तो इसमें उन्होंने अलग अलग पॉइंट हमारे बताए थे, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है इनकी जहाँ से मोस्टली हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो है थ्योरी ऑफ वैल्यूज। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। उन्होंने बात की थी कि किस तरह से फैक्ट्स एंड वैल्यूज हैं उनको हम कभी भी सेपरेट पूरी तरह से सेपरेट हमारा नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी मतलब हमारा जो बिहेवियर है। तो उन्होंने बताया था जैसे ये सोसाइटी हैज डिस्टिंक्टिव कल्चर्स एंड इट्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स गाइड्स एंड गाइड देयर बिहेवियर, मतलब जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे हम कोई भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा हमारी जो वैल्यूज हैं उससे ही डिराइव होता है। आपके माइंड में हमेशा कुछ वैल्यूज रहती हैं जो आपकी सोसाइटी के द्वारा आपको दी जाती हैं कि मुझे इस तरह से काम करना है, ये हमारी सोसाइटी में गलत काम माना जाता है तो ये काम मुझे नहीं करना है। सो फैक्ट एंड वैल्यूज को हम सेपरेट नहीं कर सकते इंडियन सोसाइटी में, ये आप सभी को ध्यान रखना। तो उन्होंने बताया है ह्यूमन नीड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू सोशल वैल्यूज एंड आर इंटरनलाइज्ड इन द माइंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो वैल्यूज हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके माइंड में इस तरह से फिट कर दी गई हैं कि हम हमेशा कोई भी काम करते हैं
तो हमेशा कोई रिलीजियस एथिक्स ये सारी चीजों को ध्यान में रखते ही हम सारे काम करते हैं अपने। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था, वैल्यूज आर बोथ जनरल एंड ऑब्जेक्टिव मेजरेबल बाय एम्पिरिकल मेथड्स। तो उन्होंने बताया था कि हमारी जो सोसाइटी के वैल्यूज है वो एक तरह से जनरल और ऑब्जेक्टिव है, और एम्पिरिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड मैंने आपको बताया है पहले भी कि कैसे हम चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उन्हें हम एम्पिरिकल मेथड से मेजर भी कर सकते हैं। एंड वैल्यू सेटिस्फाई द बेसिक इम्पल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन एन ऑर्डरली फैशन। मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी के वैल्यूज है, सोसाइटी के जो मूल्य हैं, वो हमारी बेसिक जो इम्पल्स है, बेसिक जो नीड है, उनको संतुष्ट करने का हमारा काम करते हैं। ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है, वैल्यूज आर जनरल जेनरिक इन स्कोप एंड इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज एंड एटीट्यूड। तो वैल्यूज बहुत जेनरिक मतलब बेसिक चीज हमारी सोसाइटी में मानी जाती है, और इंडिविजुअल एंड सोशल रिस्पॉन्स दोनों हमें वैल्यूज में देखने को मिलते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर भी हमारा वैल्यूज से डिटरमाइन होता है, या पूरी सोसाइटी का जो होल बिहेवियर है वो भी वैल्यूज के थ्रू हमारा डिटरमाइन होता है। इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटीज इन ह्यूमन सोसाइटी सम यूनिवर्सल वैल्यूज आर डिसर्नेबल। तो वो क्या बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ह्यूमन सोसाइटी में देखने को मिलती है, बट फिर भी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, आपको सबसे काइंडली बिहेव करना है, बहुत ज्यादा गलत रूडली आपको लोगों से बिहेव नहीं करना है। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो आपको हर सोसाइटी में, हर चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो, बट हर सोसाइटी में आपको ये सारी वैल्यूज जो मूल्य हैं वो अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो राधा कमल मुखर्जी में अपनी थ्योरी ऑफ वैल्यूज में बताए थे। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे राधा कमल मुखर्जी से आते हैं वो अगेन उनकी बुक से आते हैं। तो उनकी बुक से डायरेक्ट कंसेप्ट, डायरेक्ट जो बुक्स में वर्ड मेंशन है ना, वो आपको डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका कंसेप्ट है, वो आपको पढ़ना है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स पर उन्होंने काम किया है, रूरल इकोनॉमी पे, रीजनल सोशियोलॉजी पे, तो सोशल इकोलॉजी, ये सब सारी चीजें उन्होंने रीजनल सोशियोलॉजी के बारे में बात की है। लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया उनकी बहुत फेमस बुक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सोशल लाइफ साइकोलॉजी, रीजनल बैलेंस, एंड मैंने आपको बताया आर्ट्स एंड वैल्यूज पे उनका कितना ज्यादा काम है, तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, और भी देखो आप बुक, सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज, डायमेंशंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, फ्लॉरिंग ऑफ इंडियन आर्ट। तो ये सब उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो राधा कमल मुखर्जी की, आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है जो कई बार हमसे पूछी जा चुकी है वो तो मैंने आपको बता ही दी, तो एटलीस्ट ये तो आपको याद करनी ही करनी है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग लगा सकते हो। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे जो थिंकर आते हैं वो है एम एन श्रीनिवास। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इनका फुल नेम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, ये एम एन श्रीनिवास का फुल नेम है, एंड इनके नेम में ही मैसूर है, तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो। मैसूर ये हमारा साउथ, साउथ इंडिया से ये हमारे बिलोंग करते हैं। एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हम इन्हें बोलते हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में हमने पढ़ा था, तो श्रीनिवास जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन के भी स्टूडेंट हमारे रहे हैं, और उन्हीं की जो अप्रोच है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच हमारी श्रीनिवास ने फॉलो की थी कि किस तरह से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से कंफ्लिक्ट या कॉपरेशन हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो इसलिए हम उन्हें स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। ये आप सभी को, फंक्शनलिस्ट या फिर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हम उन्हें बोलते हैं। फील्ड वर्क उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामपुरा विलेज में उन्होंने फील्ड वर्क किया था, जहाँ उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का अपना कंसेप्ट दिया था। कूर्ज सोसाइटी उनकी बहुत फेमस बुक है, रिलीजन ऑफ इंडिया एंड अमंग द कूर्ज, ऐसी कुछ बुक है, एग्जैक्ट नेम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ज, इस टाइप से कुछ बुक है, अभी मैं बताऊंगी आपको, एकदम स्लिप हो गया वो। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो उनकी आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट किया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं श्रीनिवास के, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। रामपुरा एंड कूर्ज में सबसे इंपॉर्टेंट उनका फील्ड वर्क है, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट उन्होंने जो फेमस कंसेप्ट हमारे दिए हैं वो है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट,
सेक्युलराइजेशन एंड वोट बैंक, ये बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से कंसेप्ट हमें श्रीनिवास ने दिए हैं। तो ये चीज आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, सेक्युलराइजेशन एंड वोट बैंक, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने दिए हैं। तो इन सब का क्या मतलब है ये भी हम अभी देखेंगे आगे। तो वोट बैंक आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में ये हमारा यूज होता है। तो वोट बैंक क्या होता है, तो जैसे इलेक्शन का टाइम होता है या नॉर्मली भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज अपनी बना लेते हैं तो उनके वेलफेयर के बारे में वो हमेशा उनके लिए काम करते हैं, तो जिससे वो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आगे जाके फ्यूचर में उन्हें अपना वोट देंगे। तो एक तरह से वोट बैंक वो अपना बना लेते हैं, तो इसके बारे में वो बात करते हैं। तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ये सब क्या होता है ये भी अभी हम देखने वाले हैं। सेकुलराइजेशन आप सभी को पता है कि किस तरह से मॉडर्न टाइम्स में हमारा जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से काफी कम हमारा होता जा रहा है सोसाइटी मेंबर्स के ऊपर, वो हमारा सेकुलराइजेशन का कंसेप्ट आता है। एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव हमारी नहीं कर सकती, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी पॉलिसीज अपनी वो नहीं बना सकती। तो ये सब हमारे सेकुलराइजेशन के कंसेप्ट के अंदर आते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान, कास्ट सिस्टम, विलेज कम्युनिटी, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी। तो संस्कृताइजेशन एक तरह से सोशल मोबिलिटी को ही बताता है हमारे, तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। नेशन बिल्डिंग के बारे में अपनी बात की है। फील्ड वर्क पे सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया था, वो नहीं मानते थे, वो इंडोलॉजिस्ट अप्रोच में नहीं मानते थे कि आप उनकी जो बुक्स या जो बुक से पढ़ के आप अपनी जो 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 नॉलेज है, रिसर्च है उसको करो। वो ये मानते थे कि जो सोशियोलॉजिस्ट है या जो रिसर्चर, उन्हें फील्ड वर्क मतलब खुद उस कम्युनिटी के लोगों के साथ जाना चाहिए, एक्चुअल फील्ड में जाके उन्होंने काम करना चाहिए, जिससे वो वहाँ की जो कम्युनिटीज है उसके सारे जो भी प्रैक्टिसेस, बिलीव्स है उन सबको वो देखे और फिर उसके बेसिस पर वो अपनी रिसर्च में बताए। तो फील्ड वर्क पर उन्होंने सबसे ज्यादा बात की है। जजमानी सिस्टम को एज अ वर्टिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम हमारा एज अ फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम ही माना जाता है, जहाँ मास्टर स्लेव रिलेशन हमारा होता है। एंड कोट भी उन्होंने दिया था, सब कास्ट इज द रियल यूनिट ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बुक का नेम था, तो यास्मीना जी ने भी कुछ बताया है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो अब जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया रामपुरा विलेज में उन्होंने अपना ये हमें कंसेप्ट बताया था, मतलब रामपुरा विलेज के लोगों पे उन्होंने फील्ड वर्क अपना किया था। तो वहाँ उन्होंने ये जो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट है उसको डिस्कवर किया था कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसी कास्ट हमारी होती है जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट बिहेवियर जिनका रहता है, जो सारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो प्रैक्टिसेस है वो कंट्रोल हमारा करती है। तो इस तरह से डोमिनेंट कास्ट उन्होंने बताया था। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ याद रखनी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें श्रीनिवास ने बताए थे डोमिनेंट कास्ट के, क्योंकि ये चीज भी डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, संख्यात्मक ताकत, मतलब जो हमारी डोमिनेंट कास्ट होगी उसकी उस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब सबसे ज्यादा नंबर्स में वो कास्ट हमें वहां देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट क्या है जो डोमिनेंट कास्ट को उन्होंने, नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि उन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर भी होगी, मतलब मार्केट एक्टिविटीज को भी वो हमारी कंट्रोल करते हैं डोमिनेंट कास्ट के लोग। पॉलिटिकल पावर, तो जिनके पास इकोनॉमिक पावर या जो लोग जो लोग हमारे नंबर्स में ज्यादा हैं, जिनके कम्युनिटी वाइज ज्यादा मेंबर्स हैं सोसाइटी में, तो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है, स्पिरिचुअल स्टेटस भी होता है, मतलब सारी जो अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो है वो भी हमारी डोमिनेंट कास्ट करती है। वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब उस टाइम जैसे इंडिपेंडेंस पीरियड की या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की हमारी बात हो रही है, तो वहां पे जो डोमिनेंट कास्ट होती थी उनके पास एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी उनके पास हुआ करती थी। साथ ही अर्बन सोर्स ऑफ इनकम भी उनके पास हुआ करता था। अर्बन सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि किस तरह से
ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि विलेज में फार्मिंग या एग्रीकल्चर के अलावा भी उनके बाहर के अर्बन एरियाज में कुछ ऐसे बिजनेस वगैरह हुआ करते थे जहाँ से उनकी जो इनकम का सोर्स उनका हुआ करते थे। अर्बन सोर्स ऑफ इनकम भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है डोमिनेंट कास्ट का। तो ये जो सारे सिक्स फीचर्स हैं डोमिनेंट कास्ट के, ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, रिचुअल स्टेटस, वेस्टर्न एजुकेशन एंड अर्बन सोर्स ऑफ इनकम, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट फीचर हैं डोमिनेंट कास्ट के, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने। नेक्स्ट उनका कंसेप्ट आता है संस्कृताइजेशन का। तो ये आई थिंक उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो संस्कृताइजेशन में उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से जो हमारे लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो जब सोशल मोबिलिटी मतलब हाई पोजीशन जब वो सोसाइटी में अपनी चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट एक श्रीनिवास ने दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम अपर क्लास के जो लोग हैं उनके बिलीव्स या उनके जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करना चालू करें। जैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं हमारे, वो मतलब मीट ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह, ये सारे जो काम हमारे करते हैं। बट जब वो अपर पोजीशन सोशल मोबिलिटी जब वो सोसाइटी में जाते हैं, एक हायर पोजीशन अपनी चाहते हैं जब वो कास्ट हायरार्की में, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो अक्सर जो है जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो ब्राह्मण्स को हमारे फॉलो करने का ट्राई करते हैं। तो जिस तरह से ब्राह्मण्स हमारे वेजिटेरियन रहते हैं, ट्यूटरलिज मतलब शराब वगैरह नहीं पीते, तो इस तरह से सारी जो उनकी रिचुअल प्रैक्टिस है, जिस तरह के फास्ट वगैरह वो रखते हैं, वो सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी रखने का ट्राई करते हैं। उसी तरह से सारे जो भी राइट्स या रिचुअल्स हैं वो सारे हमारे फॉलो करने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज बेसिकली श्रीनिवास ने हमें संस्कृताइजेशन के कंसेप्ट में बताई थी कि किस तरह से जो लोअर क्लास के लोग हैं वो हायर क्लास या स्पेशली जो ब्राह्मण्स हैं उनके सारे जो भी प्रैक्टिसेस हैं या लाइफ स्टाइल्स हैं उनको फॉलो करने का हमारा ट्राई करते हैं। तो संस्कृताइजेशन का पहले जो नाम है ब्राह्मणाइजेशन हमारा श्रीनिवास ने दिया था। ब्राह्मणाइजेशन क्योंकि वो स्पेशली ब्राह्मण्स के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, बिलीव्स प्रैक्टिसेस या उनके जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने का हमारा ट्राई करते थे। बट आगे जाके संस्कृताइजेशन नाम उन्होंने दे दिया कि किस तरह से जो संस्कृत टेक्स्ट वगैरह हैं या सारी जो बुक्स रिचुअल्स वगैरह हैं उनको वो फॉलो करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा संस्कृताइजेशन का जो कि श्रीनिवास ने हमें दिया था। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट डाउन करने वाला है कि संस्कृताइजेशन के वजह से हमेशा हमें सोसाइटी में सिर्फ पोजिशनल चेंज हमें देखने को मिलता है, कि लोगों की पोजीशन हमें सोसाइटी में चेंज हो सकती है अगर वो संस्कृताइजेशन की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करे। बट यहाँ पे कभी भी स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार दिया जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है हमेशा सिर्फ पोजिशनल चेंज ही हमें संस्कृताइजेशन की वजह से देखने को मिलता है। पोजिशनल चेंज मतलब लोगों की पोजिशन एक तरह से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है कि वो लोअर क्लासेस शायद थोड़ा अपर क्लास में हमारा आ जाए। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब हुआ कि सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, कि कोई लोअर क्लास का रहे ही ना सारे या कोई हायर क्लास का रहे ही ना। तो ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा संस्कृताइजेशन की वजह से, हमेशा सिर्फ पोजिशनल चेंज ही देखने को मिलेगा। जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से फिक्स्ड है, लोग बदलते रहते हैं, बट जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो हमेशा हमारा सर्वाइव करता है, वो हमेशा हमें वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को नोट डाउन करना है कि हमें सिर्फ पोजिशनल चेंज ही संस्कृताइजेशन में देखने को मिलता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप सभी को संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि वो जो पीरियड की हमारे श्रीनिवास ने बात की है वो हमारा कौन सा पीरियड है जहाँ ब्रिटिशर्स का या वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया कि किस तरह से
इंडियन सोसाइटी के लोग हैं उनमें उनके जो बिहेवियर हैं उसमें किस तरह से चेंजेस हमें देखने को मिले, कि लगभग 150-200 साल हमारे जो ब्रिटिशर्स ने उनने रूल किया, तो उनके जो भी कल्चर्स या जो प्रैक्टिसेस थे वो अब हमें इंडियन सोसाइटी को देखने को मिल रही है। तो इंडियन सोसाइटी में जो द चेंजेस, ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये श्रीनिवास ने ही हमें दी है, द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, द टर्म सब्स्यूमिंग चेंजेस अकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। मतलब वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से हमें हर फील्ड में चेंजेस अपनी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिले हैं। मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंस्टीट्यूशन वाइज चेंजेस, आइडियोलॉजी, लोगों की थिंकिंग, सोच वगैरह है वो सब भी बदल गई है, विचारधारा की जो वैल्यूज है, मूल्य जो है, उन सब में भी परिवर्तन हमें पश्चिमीकरण की वजह से देखने को मिला है। तो वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें श्रीनिवास ने दिया है, ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था उनकी बहुत फेमस बुक है द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पूर्स ऑफ साउथ इंडिया, तो ये उसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो यहाँ पे उन्होंने पूर्ज जो सोसाइटी है वहाँ का रिलीजन और जो फैमिली पैटर्न्स है उसको, धर्म और परिवार की जो पैटर्न है उसको स्टडी करने की उन्होंने कोशिश की थी। वहाँ पे उन्होंने ओका जो कम्युनिटी है उसके बारे में पता लगाया था। ओका जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे पैट्रिलिनियल या फिर पैट्रिलोकल ज्वाइंट फैमिली हमारी बताती है पूर्ज सोसाइटी। पैट्रिलिनियर मतलब जहाँ जो एंसेस्टर्स हैं वो मेल लाइन के थ्रू ट्रेस किए जाते हैं, यहाँ जो अथॉरिटी है या जो लोकल रेसिडेंट्स है वो फीमेल मेल लाइन के थ्रू हमारा ट्रेस किया जाता है। तो ओकास के बारे में ध्यान रखना है आपको, पूर्ज में एम एन श्रीनिवास ने बताया था। तो ये चीज भी आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है कि ओकास के बारे में किसने बात की है या किस कम्युनिटी में, किस जगह पे हमें ओकाज देखने को मिलते हैं। तो एम एन श्रीनिवास एंड कूर्ज सोसाइटी का नेम आप सभी को ध्यान रखना है, एंड पैट्रिलिनियल या फिर पैट्रिलोकल ज्वाइंट फैमिली उन्होंने फॉलो की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे जो सबसे ज्यादा है लेविरेट एंड क्रॉस कजिन मैरिज हमें देखने को मिलती है। तो क्रॉस कजन मैरिज मैंने आपको लेवी स्ट्रॉस पढ़ाते पर समझाया था कि किस तरह से जब हमारे पेरेंट्स के जो अपोजिट जेंडर के, मतलब जो भाई बहन होते हैं उनके बच्चों से जब हम शादी करते हैं तो वो क्रॉस कजन मैरिज होती है। एंड लेवीरेट जब एक वेमेन है वो अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी करती है तो उसे हम लेवीरेट बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फैमिली पैटर्न या मैरिज पैटर्न है वो हमें कूट सोसाइटी में देखने को मिलते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं फूड सोसाइटी के बारे में, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने नोट आउट कर दिए हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान। तो ये हमारे एम एन श्रीनिवास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। सेम मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने बुक्स जो हैं वो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है, तो बुक्स मैंने सारी नोट डाउन कर दी है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। डोमिनेंट कास्ट का जो कंसेप्ट है उन्होंने रिमेम्बर्ड विलेज में दिया। अब इस बुक का नाम रिमेम्बर्ड विलेज क्यों रखा गया था तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। श्रीनिवास जब फील्ड वर्क कर रहे थे तो उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया था वो सारा जो डेटा उन्होंने डायरी वगैरह पर अपने लिखा था वो वहाँ जल के राख हो गई थी। तो उन्होंने जो भी चीज़ें उन्हें याद थी अपनी मेमोरी के बेसिस पर इस अपनी बुक को लिखा था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था द रिमेम्बर्ड विलेज। और रामपुरा के बारे में उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप सभी को पढ़नी है, इंडियाज विलेजेस, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पूर्ज, पूर्ज सॉरी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, संस्कृताइजेशन एंड अदर एसेज। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ही जो आपको अच्छे से पढ़नी ही है। कास्ट इज 20th सेंचुरी अवतार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप सभी को पढ़नी ही। तो आई होप श्रीनिवास के आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इंडियन सोशियोलॉजी में अगर आपने देखा हो तो 6 थिंकर्स हमें दिए हैं, उसमें से भी जो जीएस घुरे हैं या राधा कमल मुखर्जी हैं एंड एम एन श्रीनिवास है, ये तीनों हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो इन्हीं तीनों थिंकर से हमारे बनते हैं, एंड जो सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट हैं वो इन्हीं तीनों थिंकर के हैं। अब बाकी जो हमारे थिंकर बच जाते हैं जैसे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड इरावती कर्वे, ये जो हमारे थिंकर्स हैं ये काफी सिंपल हैं। जैसे महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर के जो भी कंसेप्ट है वो आई थिंक आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी आप उनके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो।
इरावती कार्वे के भी सिर्फ तीन चार ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो बाकी के अब जो हमारे थ्री थिंकर्स बचे हैं वो काफी इजी है हमारे, तो इनको भी हम एक जल्दी जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आज हमारे जो इंडियन थिंकर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट वन फिर आज हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी, तो कल हम इसके सारे एमसीक्यूज जो हैं वो भी एक फाइनल रिवीजन करके अपने ऐसे कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वेनसडे से हम यूनिट टू अपनी स्टार्ट कर देंगे, तो बीआर अम्बेडकर के कंसेप्ट हम एक बार देख लेते हैं जल्दी। तो बीआर अम्बेडकर का फुल नेम है भीमराव रामजी अम्बेडकर, आप सभी जानते ही हैं। एक अनटचेबल मेहर कास्ट में वो बॉर्न हुए थे महाराष्ट्र में, इसी वजह से उनका जो सबसे ज्यादा काम है वो मेहर कास्ट पर ही उन्होंने किया है। एंड अनटचेबिलिटी पर सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे बीआर अम्बेडकर ही है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चेयरमैन हम उन्हें बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो बीआर अम्बेडकर ने ही किया है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने स्टेब्लिश किए थे, तो ये नेम आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, जैसे बहिष्कृत हितकरणी सभा, समाज समता संघ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, समता सैनिक दल, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। न्यूज़पेपर्स भी कुछ उन्होंने पब्लिश किए थे, तो जैसे मूक नायब, बहिष्कृत भारत, जनता। तो ये तो सिंपल फैक्चुअल चीजें हैं जो आप सभी को बीआर अंबेडकर के बारे में अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या कॉन्स्टिट्यूशन पर काफी ज्यादा काम किया था। तो ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको उनके बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए अम्बेडकर के बारे में। नेक्स्ट सोशल जस्टिस की उन्होंने बात की, तो ये जो कंसेप्ट है उन्होंने कहाँ से लिया था, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम देख चुके हैं स्टार्टिंग की क्लासेस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हमारे कंसेप्ट थे इम्पोर्टेंट लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, यहाँ पे सोसाइटी में लोगों के बीच स्वतंत्रता आपको होनी चाहिए। इक्वेलिटी समानता लोगों के बीच में होनी चाहिए। एंड फ्रेटर्निटी होता है हमारा एक तरह से भाईचारा, तो लोगों के बीच में ये सारी जो चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती हैं हमारे प्रीएम्बल में। और ये जो कंसेप्ट है ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अम्बेडकर ने हमारा लिया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। पूना पैक्ट एक बहुत फेमस हमारी एक तरह से डिबेट हुई थी गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में। तो जो अम्बेडकर थे वो हमारे बोलते थे कि जो डिप्रेस क्लासेस है या जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग से उनके लिए इलेक्ट्रेट होने चाहिए, जहाँ से वो अपने जो मतलब इलेक्शंस में पार्ट कर सके। बट गांधी जो थे वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये एक डिबेट भी उनके बीच में चली थी हमारी पूना पैक्ट में, ये भी आप सभी को ध्यान रखनी है। उनका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन था वो कैसे था, रेडिकल या फिर कंजर्वेटिव। मतलब आपको पूरा रेवोल्यूशंस लाके भी आपको प्रोग्रेस तो चाहिए सोसाइटी में, बट एक रिवॉल्यूशनरी वे में वो उस बारे में बात करते थे। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स के बारे में वो बात करते थे। ये भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है, एंडोगैमी सुपर इम्पोज्ड ऑन एक्सोगैमी। तो जो बी आर अम्बेडकर हैं वो इंटरकास्ट मैरिज पे काफी ज्यादा उन्होंने फोकस किया था, तो वो ये बोलते थे अगर इंटरकास्ट मैरिजेस हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी सोसाइटी में, तो उसकी वजह से जो अनटचेबिलिटी है या जो डिवीजन है सोसाइटी में वो हमें कम देखने को मिलेगा। तो इस पर भी उन्होंने काफी ज्यादा बात की है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अनटचेबल्स को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया था, अनटचेबल्स पर ब्रोकन मैन लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज कम्युनिटी। तो अनटचेबल्स को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया था कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी ने हमें रिफ्यूज कर दिया है, मतलब सोसाइटी ने उन्हें अपना एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी मानने से मना कर दिया है। काफी ज्यादा अलग तरीके से व्यवहार उनके साथ हुआ करता था, इसी वजह से, क्योंकि वो बी फिटिंग करते थे या बुद्धिज्म को वो फॉलो करने लगे थे, क्योंकि जो हिंदू सोसाइटी के जो कंसेप्ट या हिंदू रिलीजन के जो हिंदू रिलीजन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस सोसाइटी में क्रिएट करते हैं, तो इसलिए जो बुद्धिज्म को वो काफी ज्यादा फॉलो हमारे करने लगे थे। एंड बी आर अम्बेडकर जो है वो भी बुद्धिज्म के काफी बड़े फॉलोअर हमारे बन गए, ये आप सब ध्यान रखना।
मूवमेंट या फिर मेहर सत्याग्रह पर उन्होंने काफी ज्यादा काम हमारा किया है। बुद्धिज्म से काफी ज्यादा वो इंस्पायर थे एंड मनुस्मृति दहन ये उन्होंने बताया था, मतलब जहाँ उन्होंने सारी जो मनुस्मृतिज है मतलब पुराने जो एंशियंट टेक्स्ट है उनको एक तरह से जला दिया था। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही बोलने में। मनुस्मृति दहन डे उन्होंने बताया था जहां उन्होंने सारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको जला दिया था कि ये काफी ज्यादा डिफरेंसेस सोसाइटी में हमारे क्रिएट करते हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। एक बहुत फेमस कोट उन्होंने दिया था, एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं हमारे उनके लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कास्ट सिस्टम इज नॉट डिवीजन ऑफ लेबर बट डिवीजन ऑफ लेबर्स लेबरस, तो ये भी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरस, मतलब लोगों को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता था। अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ प्रैक्टिस होती थी एंड सोशल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में वो सबसे ज्यादा बात करती थी। उसी वजह से हमें जो सोसाइटीज है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में वो अक्सर बात करते थे। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। अभी एक बहुत फेमस कंसेप्ट उन्होंने हमारा दिया था स्टेट सोशलिज्म। तो स्टेट सोशलिज्म में उन्होंने क्या बताया था कि किस तरह से कुछ जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हमारे स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर सारी ही चीजें आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलेंगे एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से वेलफेयर से ज्यादा अपने जो प्राइवेट प्रॉफिट है उसके बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो ये बताते थे कि किस तरह से डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट के या गवर्नमेंट के कंट्रोल में हमारी होनी चाहिए। तो वो उन्होंने बात की थी कि जैसे कुछ इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं तो वो हमारे कंट्रोल में आने चाहिए, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो उन्होंने दो सारी हमारी चीजें बताई थी स्टेट सोशलिज्म के बारे में कि कुछ जो की या बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो सब हमारी जो स्टेट है उसके साथ ओन होनी चाहिए। तो जैसे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, उनका कभी भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट इंडस्ट्री की तरह हमारा माना जाएगा और कलेक्टिव फार्मिंग यहाँ पे हमेशा फॉलो, इसके बारे में वो बात करते थे कि आइसोलेशन मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं किया जाएगा, अदरवाइज जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारा लोअर कास्ट के लोगों के साथ ही देखने को मिलता है। तो इसलिए उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, जिसके वजह से जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा ना क्रिएट हो हमारी सोसाइटी में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये हमारे मैंने आपको बताया बी आर अम्बेडकर के बहुत ज्यादा ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको अच्छे याद रखने हैं, तो ये तो ये इनके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगेन इनकी जो बुक्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो बी आर अम्बेडकर की तो बहुत ज्यादा इतनी बुक्स भी नहीं है बट जो इम्पोर्टेंट है वो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे जो फर्स्ट बुक है वो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है, कास्ट इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ रुपी उनकी डॉक्टोरल थीसिस है, तो इसका नेम आपको ध्यान होना चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किस तरह से कास्ट सिस्टम को बिल्कुल कंप्लीटली उठा के फेंक देना चाहिए इसके बारे में वो बात करते हैं, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हूवर द शूद्रास द अनटचेबल स्टेट एंड माइनॉरिटीज बुद्धा एनिज्म इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही जो आप सभी को अच्छे से पढ़नी है। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा, हिंदी में भी सारी है ये सारे आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई होप सारे अम्बेडकर के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, आई होप ये जल्दी सही हो जाए। नेक्स्ट
नेक्स्ट अब हम इरावती कार्वे एंड महात्मा गांधी हमारे बचे हुए हैं, तो इनके कंसेप्ट भी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो इरावती कार्वे की अगर हम सबसे पहले अगर ये बात करें, ये ओनली ऐसी फीमेल सोशियोलॉजिस्ट है जो हमारी इंडियन फीमेल सोशियोलॉजिस्ट है जो हमारी सिलेबस में हमें दी गई है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो आप सभी को अच्छे से पढ़ने हैं, तो इनके जो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। तो इरावती कार्वे एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो शी वॉज बेसिकली बॉर्न इन बुर्मा, मतलब वो बुर्मा म्यांमार में हमारी बेसिकली बॉर्न हुई थी, बट उनकी जो अपब्रिंगिंग है या जो उनकी जो सारी स्टडीज है वो हमारी पुणे एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली में हमारी हुई थी। उनकी अपब्रिंगिंग या उनकी जो भी परवरिश है वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली में पुणे में हमारी हुई थी। तो ये इसलिए उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी पे काफी ज्यादा काम किया है। फर्स्ट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी। तो पुणे यूनिवर्सिटी में अपने डी के कार्वे ने हमारी एक यूनिवर्सिटी सेटअप की है, आप सभी ने उसके बारे में सुना ही होगा, SNDT यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ही वहाँ पे सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया था। इंडोलॉजिस्ट ने भी हम बोलते हैं, तो GS कुरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो इंडोलॉजी एंशियंट टेक्स्ट या जो स्क्रिप्चर्स है या मनुस्मृति है उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसी तरह से इरावती कार्वे है वो भी एक इंडोलॉजिस्ट है। एपिक्स एंड इंडियन कास्ट सिस्टम पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। तो एपिक्स जैसे रामायण या महाभारत है इन पर उन्होंने काफी ज्यादा काम की है। चित्पावन ब्राह्मण्स पे उन्होंने अपनी थीसिस है वो भी लिखी है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। और उन्हें महाराष्ट्र का साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑनर है जो महाराष्ट्र में हमें मिलता है। तो युगांता उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र से साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिला था। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इरावती कार्वे के बारे में नोट डाउन करना है। और युगांता में उन्होंने क्या बताया था, महाभारत के जो भी कैरेक्टर्स है या महाभारत सोसाइटी हमें बताई गई है उसके बारे में बात की थी, एंड महाभारत के फिगर्स किस तरह से उनका जो गुड साइड है या जो बैड बिहेवियर है, सो जो भी गुड अच्छे या बुरे जो भी महाभारत के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में उन्होंने बात की थी हमारी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इरावती कार्वे के बारे में अच्छे से ध्यान रखने। एंथ्रोपोलॉजी पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशल वुमेन, लैंग्वेज, रेस, तो ये सब के बारे में उन्होंने काफी काम किया है। सो ये चीज इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछी जाती, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। मेनली आपको ये याद रखना है उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पे काफी काम किया है, जैसे फिजिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट पर। कार्वे ने किन ग्रुप कास्ट को क्या बताया, एक तरह से एक्सटेंडेड किन ग्रुप, तो जाति एक तरह से क्या है, हमारा विस्तृत परिजन समूह ही है। तो कास्ट में हमारे डिफरेंट जो किन मतलब क्या होता है, हमारे ब्लड रिलेटिव्स, तो वो क्या बताते हैं कि कास्ट सिस्टम में एक तरह से हमारे जो परिवार है रिलेटिव्स ही हमें देखने को मिलते हैं। और दो इम्पोर्टेंट थीम्स उन्होंने बताई थी, द ओरिजिन एंड कास्ट एंड द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड स्मॉलेस्ट एंडोगेमस यूनिट और जाति। उन्होंने क्या बताया था कि कास्ट के ओरिजिन या उनके यूनिट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात की थी, और जाति के बारे में उन्होंने बात की थी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी मानी जाती है कास्ट के बारे में। सो ये भी चीजें हैं जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से ही सिर्फ इरावती कार्वे के अभी तक हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो है उनका किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन सोसाइटी है उसको फोर किनशिप जोन्स में हमारा डिवाइड किया था। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज, कास्ट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। तो फोर जोन्स में उन्होंने हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसको डिवाइड किया था, लैंग्वेज, कास्ट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो कौन कौन से फोर जोन्स थे हमारे, एक था नॉर्थ जोन, सदर्न जोन, सेंट्रल जोन एंड ईस्ट जोन। तो नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एंड ईस्ट, ये फोर जोन्स के बारे में उन्होंने बात की थी। ध्यान रखिए यहाँ पे वेस्ट नहीं है, सेंट्रल जोन है, तो ये मिस्टेक हम कर देते हैं क्योंकि डायरेक्शन हमें याद रखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बट यहाँ पे वेस्ट नहीं, सेंट्रल जोन के बारे में उन्होंने बात की थी।
किस जोन में किस तरह के किनशिप ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे जो नॉर्दर्न जोन्स थे हमारे, वहां पे इंडो यूरोपियन या फिर सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के लोग रहते थे। सदर्न जोन में हमें द्रविडियन किनशिप, मतलब जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वहां पे द्रविडियन लोग हमें देखने को मिलते थे। सेंट्रल जोन जैसे जो महाराष्ट्र वाला रीजन था, वहां पे हमें मिक्स्ड फॉर्म ऑफ किनशिप रिलेशंस देखने को मिलते थे। एंड जो मुंडारी किनशिप जो जो पैटर्न है या किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें ईस्ट में देखने को मिलता था। तो ये फोर जोन्स में उन्होंने डिवाइड किया था, एंड जो अलग अलग किनशिप है उस जोन के, सो वो भी उन्होंने बताए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है, कई बार ये आपसे पूछा जा चुका। एंड ईरावती कार्वे ने हमें क्या बताया कि जो मुस्लिम क्रिश्चियंस या जो अदर कम्युनिटी है, वो उनके अकॉर्डिंग किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आती। उन्होंने सिर्फ यही हमारे जोन्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि भाषा, जाति और पारिवारिक संगठनों के आधार पर फोर चार जोन्स में उन्होंने डिवाइड किया है। तो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र एंड पूर्व क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में हमारे भारत, यूरोपीय यहाँ पे सांस्कृतिक संगठन आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ रिश्तेदारी, मिश्रित पैटर्न हमें महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। एंड मुंडारी जो किनशिप है वो ईस्टर्न जोन में हमें देखने को, और जो मुस्लिम, ईसाई या अन्य जो समुदाय है, वो उनके अकॉर्डिंग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते। आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सारी बुक्स हैं, बहुत कम इनकी भी बुक्स हैं, मोस्टली मराठी में हैं, तो ये आपसे इतनी नहीं पूछी जाती हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछी जाती है वो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, हिल्स, हिंदू सोसाइटी। सो इनकी तो आप सारी ही याद रख सकते हो, सिर्फ 7 to 18 की ऐसी बुक्स है। युगांता बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र लैंड ऑफ पीपल, बाकी इजी ही इनकी बुक्स हैं। तो ये सारी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। मराठी वाली आप स्किप भी कर सकते हो, ये उतनी नहीं पूछी गई है, बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते। हिंदी में भी मेंशन है। अब हमारे लास्ट इंडियन थिंकर्स बचते हैं हमारे सिलेबस के, जो है महात्मा गांधी। सो आई थिंक इनके बारे में आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हो। तो इनके जो कंसेप्ट है हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या तरीके हमें बताए हैं। तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, तो मोहनदास करमचंद गांधी का फुल नेम है आप सभी को पता है, पोरबंदर गुजरात में ये हमारे पैदा हुए थे। फंक्शनलिस्ट एंड आइडियलिस्ट भी हम इन्हें बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया था, मतलब किसी टॉप लीडर के ऑर्डर फॉलो करने पे ये नहीं मानते कि किस तरह से हमारे जो एक तरह से सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, मतलब कोई ऐसा हिरार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो लोअर बॉटम रैंक के जो लोग हैं उनकी भी सारी डिमांड्स वगैरह फुलफिल होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर हम बोलते हैं। तो ये सब आपको इनके इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं, ये तो ये आप रीड आउट कर सकते हो। वर्ना मॉडल को उन्होंने सपोर्ट किया था, बट कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। तो वर्ण मॉडल, वर्ना जो मॉडल था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो मॉडल हमारा था ये उनके अकॉर्डिंग सही था, बट कास्ट सिस्टम को वो नहीं मानते थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा, मतलब डिवीजन हमारी सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी वगैरह ये सब क्रिएट करता है, तो इसको वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे। हरिजन उन्होंने एक टर्म दिया था अनटचेबल्स के लिए। तो हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। उसी तरह से गिरिजन भी एक उन्होंने टर्म दिया था हमारे ट्राइब्स के लिए। तो गिरिजन मतलब फॉरेस्ट में लोग, रहने वाले लोग, तो ट्राइब्स के बारे में उन्होंने बोला था। एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्वदेशी, विलेज रिपब्लिक, खादी, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, स्वराज एंड ट्रस्टीशिप, इन सब के बारे में वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब कैसे पहले विलेज सोसाइटीज में लोग अपने घर में ही छोटी छोटी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज चलाया करते थे, तो उसको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। स्वदेशी चीजें कि अब बहुत ज्यादा जो मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, वो आई थिंक सबसे पहले गांधी जी ने ही शुरू किया था कि स्वदेशी चीजें आप अपनाओ, जो खादी हमारा, जो स्वदेशी जो हमारा क्लॉथ है उसको आप फॉलो करो। विलेज रिपब्लिक, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज सिस्टम तो उन्होंने फोकस किया था। स्वराज मतलब सेल्फ रूल एंड ट्रस्टीशिप, तो ये भी कंसेप्ट हम देख लेते हैं। वर्धा एजुकेशन जो कम्युनिटी है वो भी गांधी जी से हमारी इंस्पायर्ड, नई तालीम जिसे हम बोलते हैं बेसिक एजुकेशन के लिए, उस पर भी उन्होंने बात की थी। एंड कुछ एडिटोरियल्स भी उन्होंने अपने पब्लिश किए थे, तो जैसे यंग इंडिया, हरिजन या फिर नवजीवन, तो इनका भी नेम यहाँ से आप पढ़ सकते। अब उन्होंने फाइव मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में हमारी बात की, तो जैसे ट्रुथ है, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, नॉन पजेशन
एंड नॉन स्टीलिंग। तो ट्रुथ सत्य आप सभी को पता है, इसके बारे में वो बात करते हैं। नॉन वायलेंस अहिंसा उन्होंने सबसे ज्यादा बात की थी, बहुत ज्यादा। इवन नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे भी उन्होंने नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का अपना प्रिंसिपल है, उसी को ही फॉलो किया था। और ये जो सारी चीजें हैं, इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म से ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस या अपरिग्रह, इसकी ये जो सारे कंसेप्ट है, ये मोस्टली जैनिज्म से ही हमारे लिए गए हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। सेलिबेसी की वो बात करते हैं, अपरिग्रह मतलब कि जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही आप लो, किसी अननेसेसरी आप जो दूसरों के हक की जो चीजें हैं वो उसको भी आप मत रखो है। नॉन स्टीलिंग, चोरी वगैरह भी आपको नहीं करनी है। सो ये 5 मोरल प्रिंसिपल्स हैं गांधी जी के, जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट सत्याग्रह की उन्होंने बात की है, कि किस तरह से सत्य ट्रुथ की राह पर चलकर हम जो सारी चीजें हैं उनको पा सकते हैं। हमेशा झूठ वगैरह ये सारे बोल के ही आपको ये काम नहीं करनी है। तो सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि किस तरह से सर्च फॉर ट्रुथ, आपको सारे जो सत्य के लिए हमेशा जो ट्रुथ चीज है उसी को फाइंड करने पे अपना काम करना है। बिल्कुल नॉन वायलेंट मोरल प्रिंसिपल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। तो ये भी सत्याग्रह के बारे में वो बात करते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट से आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में गांधी जी बात करते हैं, कि आप सभी को ध्यान रख। ओशियनिक सर्कल मैं आपको समझा देती हूँ, ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो अभी मैंने बताया कि वो हमारे जो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओशियनिक सर्कल में उन्होंने क्या बताया था, कि किस तरह इस तरह के हमारे एक सिस्टम उन्होंने बताया था, जैसे ओशियनिक सर्कल्स हमारे होते हैं। तो वो ये बताते थे कि किस तरह से हमारी जो पावर है वो पिरामिड के स्ट्रक्चर में नहीं होनी चाहिए, कि कोई सेंट्रल टॉप अथॉरिटी हो, फिर बीच में कोई हो, फिर लास्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये जो हिरार्की वाला सिस्टम है ये हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। वो बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज हमारी गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब सेम लेवल पर सभी लोग होना चाहिए। जैसे ओशियनिक सर्कल का उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ की जो इनर पावर है वो हमारी जो बाहर के लोग हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथ देने का काम करे, और जो बाहर के जो लोग हैं वो अंदर के लोगों को स्ट्रेंथ देने का काम करे। तो किस तरह से हमारी जो पावर्स है वो कभी भी हिरार्की या पिरामिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक तरह से डिसेंट्रलाइज फॉर्म में हमारी जो गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए। तो इसके बारे में सबसे ज्यादा उन्होंने ओशियनिक सर्कल, जो उनकी थ्योरी है, इसमें बात की थी। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, ओशियनिक सर्कल किसका कंसेप्ट है, तो ये महात्मा गांधी का कंसेप्ट है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये उन्होंने बात की थी, किस तरह से जो आउटरमोस्ट सर्कमफेरेंस है वो हमेशा पावर प्रोवाइड करेगा इनर सर्कल को, और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी इनर सर्कल से ही गेन करेगा। मतलब बाहर का ये जो पॉइंट है वो अपनी जो पावर है वो अंदर के सर्कल से हमारा गेन करेगा, एंड अंदर का जो सर्कल है वो बाहर के उसको प्रमोट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा, ना कि उसे सिर्फ ऑर्डर करने का हमारा काम करेगा। सो ये चीज उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ओशियनिक सर्कल में बताई थी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वोदय मॉडल की वो बात करते हैं। सर्वोदय मतलब कि किस तरह से आपको सारे जो जीव है, सारी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो सब किस तरह से इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अगर सोसाइटी में है तो आपको उसकी भलाई के लिए काम करना है। आपको सिर्फ अपना फायदा देख के काम नहीं करना है, आपको इस तरह से काम करना है कि सभी लोगों की भलाई हो उसमें एक तरह से। तो वो बात की, तो उन्होंने क्या बताया था, गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन गुड ऑफ ऑल, मतलब एक व्यक्ति की भलाई उसी में है जब पूरी सोसाइटी की भलाई हमारी हो। तो उन्होंने क्या बताया था, कोई भी काम आप करते हो, हर काम की अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, चाहे वो लॉयर का काम हो या बार्बर का काम हो। तो कोई भी काम हमें छोटा नहीं समझना है, हर काम की इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एंड उन्होंने बताया था कि जिस तरह से एक लेबर की लाइफ वैल्यूएबल है, उसी तरह से एक हमारा अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई छोटा बिजनेसमैन, सभी की लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो सभी की दया, मतलब सर्वोदया, सभी जीवों की दया करते हुए आपको काम करना है। सभी के वेलफेयर के बारे में सोचते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा काम करना चाहिए। तो सर्वोदय मॉडल के बारे में भी हमारे गांधी बात करते हैं, ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। तो ट्रस्टीशिप उन्होंने क्या बताया था, कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में अलग 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 कैटेगरी में लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर या पैसा होता है, कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है। तो उन्होंने क्या बताया ट्रस्टीशिप के अपने मॉडल में, कि किस तरह से जिन लोगों के पास ज्यादा अगर पैसा है, तो जब उनकी अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई है,
जो एक्स्ट्रा पैसा है उनका, तो वो एक तरह से ट्रस्टी उनके बन जाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास है उससे वो बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनका वेलफेयर करने का काम में उन्हें वो पैसा अपना लगाना चाहिए। लोगों का किस तरह से डेवलपमेंट और सोसाइटी का किस तरह से उससे भला हो सकता है, तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने क्या बताया था, सारे ह्यूमंस इक्वल होते हैं, किसी के पास हायर, हमारे पास राइट होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का, बट अगर किसी लोगों के पास ज्यादा है तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद उन्हें बाकी लोगों को वो चीज देनी चाहिए। तो सच पर्सन मस्ट ट्रीट देमसेल्व्स एज ट्रस्टीज ऑफ द प्रोड्यूस बियॉन्ड देयर बेसिक नीड्स। तो ऐसे लोग जिनके पास अपनी नीड्स को फुलफिल करने से ज्यादा अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको दूसरे लोगों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में उसे लगाना चाहिए। तो ये ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट के बारे में भी हमारे गांधी जी बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हाँ, हमारे जो सारे इंडियन थिंकर्स हैं उनके टॉपिक खत्म होते हैं। गांधी जी की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो ये आप सभी को ध्यान रखनी है। सो इनकी तो बहुत कम बुक्स हैं तो आप इजीली याद रख सकते हो। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ग्रोथ, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान। सारी इंपॉर्टेंट बुक, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, सो सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको गांधी जी के अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप सारी क्लासेस आपको ये पसंद आई होंगी। इंडियन थिंकर्स यूनिट 1 आज हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं या नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते, बाकी फिर हम कल की जो हमारे क्लास में उसी में हम यूनिट 1 का एक फाइनल रिवीजन, जो भी सारे PYQ MC है, वो कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व करने वाली हूँ। फिर जो वेडनेसडे की हमारी क्लास होगी हम यूनिट 2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास से अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई डाउट है आपका तो वो बता दीजिए, या सब कुछ क्लियर है तो वो भी एक बार बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सभी को सब कुछ क्लियर है। सो हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं, वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, एंड क्लास के बाद कमेंट करके बताना कि आपको यूनिट 1 अच्छे से क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए या नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।